तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप सबका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है बहुत छोटा, तो आज चलेंगे हम वाइल्ड लाइफ के अंदर, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के अंदर, और आप लोग को दिखाएंगे ब्यूटीफुल, लेके चलते हैं आप लोग को ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ के अंदर। बहुत ही ज्यादा औसम व्यूज है फ्रेंड्स यहाँ का, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और ये वाइटी पर बात ही अलग है, बहुत ही मतलब औसम, बहुत ही औसम है व्यू। और एक्चुअली क्या है, आपको ब्रह्मपुत्र में आके बहुत ही शांति मिलता है, बहुत ही शांत जगह है एक्चुअली ये। और इसकी जो हवाएं हैं, इस हवा का कंपेरिजन मतलब आप किसी चीज से नहीं कर पाओगे, ये हवा का अलग ही एक लेवल है। मतलब कोई भी नदी में दूसरे नदी का आप ब्रह्मपुत्र के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ब्रह्मपुत्र का जो हवा है, ये हवा में बात ही कुछ अलग है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार लगता है। और बहुत तो फ्रेंड्स ये पूरा बोट है, एक्चुअली हम लोग अभी नए बोट में आ गए, पुराना बोट तो हम लोगों ने छोड़ दिया। और ये पूरा नया बोट का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं, पूरा नया बोट है। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं भी है, बैठने का जगह लोग भी आप लोग देख रहे होंगे। और इधर है मशीन, बहुत साउंड कर रहा है मशीन इधर है। अपर डेक में, और अपर डेक का व्यू देखिए, ये पूरा अपर डेक है यहाँ का, ये अपर डेक है, ये पूरा अपर डेक है। और भैया बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पनंतरी। और मैंने वाइल्ड लाइफ का जो नदी है, नदी का छोटा सा नदी है जंगल का बीच में, उसमें टर्निंग ले लेके पनंतरी में जाएगा। इनके यदि जीव जंतु मिलेगा वो आप लोग को दिखाने के लिए जो कोशिश करेगा। अच्छा अच्छा। और ये पूरा तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के अंदर ही लेके जाएंगे? अंदर ही लेके जाएगा, मैंने पूरा एरिया तो अभी शाम हो गया नहीं सकेगा, जितना सकेगा हम कोशिश करेंगे। सेम भैया के और उसमें ही जा रहे हैं, मतलब सेम भैया का बोट में ही जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इनका मतलब कि बोट चेंज हो गया, इनका दो बोट है, तो हम लोग दूसरे वाले बोट में जा रहे हैं। पहले वाला बोट हम लोगों ने घूम लिया उसमें, और अभी दूसरे वाले बोट में जा रहे हैं। चलिए और देखिए व्यू और नज़ारे, बहुत ही औसम है, औसम व्यूज है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ज़्यादा औसम फ्रेंड्स, क्या शानदार व्यूज है यहाँ का। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इस रास्ते से अंदर हम लोग जाएंगे डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के अंदर। और फ्रेंड्स हम लोग घुस रहे हैं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के अंदर, ये पूरा नेशनल पार्क का एरिया आप लोग देख सकते हैं, और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का एरिया है, ये पूरा एरिया डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का है। व्यूज देखिए फ्रेंड्स, क्या औसम व्यूज है, एकदम फॉरेस्ट से लग के जा रहे हैं हम लोग, फॉरेस्ट के अंदर से जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही औसम व्यूज है यहाँ का। तो हम लोग आके पहुँच गए हैं और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है पूरा फॉरेस्ट के अंदर, और आप लोग को दिखाएंगे इधर अंदर का व्यू। एक बहुत ही मतलब पॉपुलर ट्री है बनियान ट्री, जिसको केकजुरी बोलते हैं, उसको केकजुरी गॉस बोलते हैं हम लोग के आसामीज में, तो वो दिखाएंगे आप लोगों को। पहले वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद आप लोग को और भी फॉरेस्ट एरियाज क्या क्या है सब कुछ दिखाएंगे। इधर आप एक बोट देख पा रहे होंगे, ये बोट फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोट है, और इस बोट से आगे जाने नहीं गए हैं। आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ हमारे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के बीचों बीच हम लोग चल रहे हैं, और इधर भी डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का फॉरेस्ट है, और इधर भी डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का फॉरेस्ट आप लोग देख सकते हैं, तो बीचों बीच है। फ्रेंड्स ये फॉरेस्ट का बोट है, आप लोग देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोट है। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा, एक्चुअली जो ये बोट से मतलब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोट है, इस बोट से आप लोग को आगे जाने नहीं दिया जाएगा। अगर आप रिसिप्ट, एक रिसिप्ट होता है यहाँ पे, मतलब रेंजर ऑफिसर में एक रिसिप्ट काट के आना पड़ता है, और जिसका प्राइस है नॉर्मल एडल्ट के लिए 100 रुपीज और स्टूडेंट के लिए 25 रुपीज। तो आप लोग को पहले वो रेंजर ऑफिस से आप लोग को वो टिकट काट के आना पड़ेगा, तभी आप लोग इसके अंदर जा पाएंगे और घूम पाएंगे। अदरवाइज ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोट है, वो बोट आप लोग को इधर आगे बढ़ने नहीं देगा और जाने नहीं देगा। तो मेक श्योर आप लोग वो टिकट काट के आए, तभी आप लोग आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो अगर ऐसे आगे जाएंगे तो लोग रोक देगा और टिकट चेक करेगा, और टिकट सही नहीं रहेगा आप लोग के पास तो लोग लीगल एक्शन भी आप लोग के ऊपर ले सकता है। तो काइंडली इस टिकट काट के आइए और फुल एंजॉय कीजिए। बाली ऊपर आ गया है और मतलब पानी कम है यहाँ पे, इसलिए आप लोग देख सकते हैं बोट को धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं, आप लोग देख सकते हैं, और ये फिर भी ये पेड़ खड़ा है, बहुत ही शानदार। तो फ्रेंड्स हम लोग आके पहुंच गए हैं हमारे जो डेस्टिनेशन था बनियान ट्री, पहले बनियान ट्री में हम लोग आके पहुंच गए हैं और जाएंगे इसके अंदर, तो आप लोग को दिखाएंगे ब्यूटीफुल व्यूज, और आप लोग देख सकते हैं बनियान ट्री के पास, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स हम लोग आके पहुंच गए हैं और फॉरेस्ट के अंदर हैं, और फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे।
फॉरेस्ट के अंदर का व्यू। तो भैया भैया हमारे साथ, भैया सारा चीज गाइड कर रहे हम लोग को। कहाँ चलेंगे भैया? ये देखिए, हम लोग तो बोटिंग करके डिब्रूगढ़ के अंदर घुस गया। हाँ। अभी ये जो एरिया है उसमें थोड़ा से आगे में आपका बोन एंट्री, अच्छा उसको हम लोग कैक्जरी भी बोलता हूँ, बोन एंट्री भी बोलता हूँ, दो भाषा से बोला जाता है इसको। अच्छा अच्छा, हम लोग का आसामीज में कैक्जरी बोलते हैं ना। कैक्जरी जी जी जी। और बाहर का आदमी लोग से मैंने बोन एंट्री बोलने से समझ जाता है। थोड़ा दूर ये दो जो देख रहा है ना, फुटबॉल जैसा, उसका अंदर बीच से घुसना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर घुसना पड़ेगा। तो इसके अंदर घुस के हम लोग मतलब बनियान ट्री के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये तो बहुत फेमस है, टूरिस्ट भी आते होंगे रेगुलर बेसिस पे इसको घूमने के लिए। बहुत बाहर से लोग आता है, बहुत आते रहते हैं ना। जी जी जी। तो ऐसे मतलब हम लोग के साथ जैसे फॉरेनर्स आए हैं, वैसे फॉरेनर्स भी आते हैं? बीस बीस में आते ही है वो। तो मैं अकेला नहीं है ना, मेरा जैसे टूरिज्म करने वाला और 20-40 है। अच्छा अच्छा। तो कि मान लीजिए आज मैं आपका पड़ा है, कल मेरा पड़ा, ऐसा सब दिन एक ही आदमी का पड़ेगा, ये बात नहीं है। जिसका नसीब जिस दिन। अच्छा, देखिए स्पॉट कितना सुंदर है। बहुत सुंदर। आप कैमरा घुमाइए इधर, देखिये सबूज कितना सुंदर। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और आप लोग का प्राइस क्या क्या है भैया, मतलब यहाँ घुमाने के लिए, मतलब अगर टूरिस्ट अगर आ रहे हैं घूमने के लिए तो क्या रेट है? मतलब मैंने सुनिए ना, इसमें देखिए आ रहा है, से 3 घंटा समय लगता है। तो मिनिमम हम लोग 4,000-4,500 में इसमें आता हूँ। क्यों बताए, रिसिप्ट भी काटने पड़ता है वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड लाइफ पे साथ में गार्ड भी 2 आदमी देने पड़ते हैं। आज में तो दरिया बिहू का छुट्टी ले लिया बोल के 1 लाख आया है। 1 लाने का हम लोग का सिस्टम नहीं है, 2 आदमी होना चाहिए। अभी 1 आदमी बोट पर, 1 आदमी इधर माने टूरिस्ट के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसका कारण से अभी बोट लॉक करके आने पड़ रहा है, तब लॉक नहीं करने से भी होता है। तो प्राइसेस 4,000 से 4,500 तक मतलब जाता है आप लोग। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया है फ्रेंड्स, आप लोग आके घूम सकते हैं। और भैया का कॉन्टैक्ट नंबर और इनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग इजीली इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और भैया कुछ डिस्काउंट कर देंगे ना, हमारे दर्शक वीडियो देख के आएंगे तो ठीक है, थोड़ा सा कर देगा। हाँ, तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर देंगे। डाल दीजिए, फोन नंबर दे दूंगा मैं आपका। तो भैया बोल रहे हैं डिस्काउंट भी कर देंगे, तो आइए और घूमिए। और ये देखिए व्यूज, क्या शानदार व्यूज है, बहुत ही शानदार व्यूज है, देखिए बहुत ही शानदार व्यूज। वाओ, स्पॉट चारों तरफ देखिए, सेम फुटबॉल है देखिए। और जाता है जो देखिए रास्ता जानवर के लिए, जानवर का रास्ता है, जानवर का रास्ता, जानवर एकदम माने इसमें से हम लोग आधा घंटा का ऊपर रुक नहीं सकता। जी अंदरा होने का टाइम हो जाएगा ना, जानवर भीतर से माने पानी पीने के लिए अंदर जाएगा, उस टाइम में हम लोग भेटा जाएगा, तो हम लोग को आक्रमण कर। मतलब क्या क्या जानवर निकलता है हमें इसमें? देखिए हम लोग का हॉरिनर कभी कभी मिलता है, भैंसी मिलता है, हाथी मिलता है, टाइगर तो ऐसे हम लोग रियली नहीं मिले है। तो आदमी लोग बोल रहा था जो किसी का गोरू खा जाता है, किसी का बैसी खा जाता है, रियली नहीं, खुद सब ऐसे हम लोग मिट्टी में देखने दिया। लेकिन रियली हम लोग नहीं पता, रात को टाइगर ज्यादा नहीं पता शाम का टाइम में। अच्छा अच्छा अच्छा। दिन को नहीं, दिन को छुपा रहता है। अच्छा अच्छा। वो लोग का शिकार होता है आपका रात का। अब्यूज देखिए फ्रेंड्स, क्या खतरनाक है पेड़, बहुत ही डेंजर, बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं पेड़, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ही पॉपुलर है पेड़ बनियान ट्री के नाम से, आप लोग देख सकते हैं पेड़, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सुंदर और बहुत ही औसम, बहुत ही औसम व्यू से देख सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है यहाँ का व्यू। और बहुत ही मतलब अलग तरीके का ये पेड़ है, मतलब मैंने तो आज तक लाइफ में ऐसा पेड़ देखा नहीं है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही औसम, एक्चुअली डर भी लगता है और मतलब एक अलग तरह का फीलिंग है, मतलब आप लोगों को मैं लफ्जों में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ही अलग तरह का फीलिंग है और बहुत ही बढ़िया और शानदार है जगह। और एक्चुअली हम लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुक भी नहीं सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली जानवर भी निकलते हैं, मतलब जो जंगली जानवर वगैरह भी हैं यहाँ पे, तो वो लोग भी निकलते हैं और हम लोग के ऊपर मतलब अटैक भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसा केसेस उतना नहीं हुआ है, लेकिन हो भी सकता है। तो हम लोग 10-20 मिनट्स यहाँ पे रुक सकते हैं, उसके बाद हम लोग को जाना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही औसम है और बहुत ही बेहतरीन है जगह। आप लोग को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जितने पेड़ देख रहे हैं आप, इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन एक ही पेड़ है, ये बहुत सारा पेड़ नहीं है, एक ही पेड़ है और सारा एक ही पेड़ का पार्ट है, ये बहुत ही मतलब औसम बात है भैया। ये मतलब एक ही पेड़ का सारा पार्ट है ना, एक ही पेड़ का सारा पार्ट है ये। तो देखिए हम लोग का इसमें 30 साल से आ रहा छोटा से, अभी तो मैंने वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन कम नहीं रहा है, एक ही पेड़ का सब पार्ट है, लेकिन
आपका जो ईसर नहीं है जो वो खत्म हो गया, दूसरा हो गया, हम लोग छोटा सा बड़ा हो गया, उसी का वैसे ही है, ऐसे कैसे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या ऑसम बात है। मतलब एक ही पेड़ है और आज कम से कम 30-40 years ना, 30-40 साल से मतलब सेम का सेम है, थोड़ा भी नहीं बदला है, वही का वही पेड़ है। और भैया लोग तो रेगुलरली मतलब टूरिस्ट विजिट पे आते हैं तो उनको ले आते हैं रेगुलरली, आप लोग तो आते रहते हैं एकदम बीस में आए रहा हम लोग, तो भैया लोग तो आते ही रहते हैं रेगुलरली। तो आप लोग देखिए ये 30-40 साल से ये पेड़ जैसा का तैसा है, मतलब थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ है। तो सोचिए मतलब ऑसम प्राकृतिक का जो नेचर चीज है, भगवान ने बनाया इसको, ना कोई चाह के बदल सकता है और कुछ कर सकता है, भगवान जैसा रखेंगे वैसे ही रखेंगे और वैसे ही रख सकते हैं। तो हमारे हमारे मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, नेचर कुछ भी कर सकता है, तो नेचर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है, हम लोग के ऊपर नेचर डिपेंडेंट नहीं है। आप लोग को एक बहुत ही ऑसम चीज दिखाने जा रहा हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं ये, देखिए ये लग रहा है कि मेन मेड है, ये आप लोगों को दिख रहा है ऊंचा ऊंचा, ये सब देख सकते हैं आप लोग, ऊंचा ऊंचा ये बना हुआ है मिट्टी का, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेन मेड है, लेकिन नहीं, ये मेड बाय नेचर है। तो नेचर ने बनाया है ये सारा चीजों को, और क्या ऑसम व्यूज है यहाँ का, देखिए ना क्या ऑसम व्यूज है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली आप लोग इस चीज को यहाँ पे आके फील कर सकते हैं, मैं मतलब वीडियो में आप लोग को जो दिखा रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा ऑसम व्यूज है यहाँ का। ये फ्रंट में देखिए ये पेड़ सब बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ का व्यूज है कि नहीं सिवम बोलो, यहाँ पे आके जो मतलब मजा आएगा, मतलब वीडियो में जो देख के जो मजा आएगा उससे ज्यादा यहाँ पे आके आएगा, है कि नहीं बोलो? हाँ है ना, आप लोग भी आइए और यहाँ घूमिए, बहुत अच्छा प्लेस है, आपको घूर के बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली में अगर आप लोग को असलियत में इस जगह को जानना है तो आप लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, बहुत औसम है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप कभी रिग्रेट फील नहीं करोगे यहाँ पे आके, मतलब इतना ही औसम जगह है, इतना भी औसम प्लेस है, बहुत मजा लग रहा है, बहुत ही औसम है और बहुत बेहतरीन नजारा है यहाँ का। वाइल्ड लाइफ का जो हेडक्वार्टर से अभी मेरे को फोन किया है, जी जी, जे लोग का स्टाफ डाउन में जो बोट दिख के आया था ना, वो लोग अंदर गया रहा ड्यूटी में, तो हाथी बैठा गया, तो ये लोग मैंने हेडक्वार्टर में फोन किया जे हम तो रिसीव कट के, हम मेरा नंबर है, तो फोन किया जे आपका पार्टी लेके फटाफट निकल के आइए, अगर हाथी का चिमटू आ जाएगा तो जाने के लिए दिक्कत हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वो लोग रोक देगा, मतलब रोक देगा लोग, कितना देर तक पानी में खेलेगा, यदि ऑल नाइट पानी में खेलेगा ऑल नाइट बेटर रहने पर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जब तक वो लोग हटेगा नहीं तब तक हम लोग नहीं जा सकते, ना जा नहीं सकता, और पानी भी सूखा है ना, देखा है तो अब इधर एकदम बोट तो एकदम धीरे धीरे आने पड़ता है, और नदी भी छूटा है, बड़ा नदी होने से एक तरफ नमा एक तरफ हम लोग चला जाता है, जी जी जी, उसी रास्ता से जाना पड़ेगा, यही रास्ता से जाना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं, सूखा में तो बोट नहीं जा सकता, पानी में जाने पड़ेगा जी। तो आप लोग फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, मतलब क्या हुआ कि हाथी का एक झुंड है जो कि पूरा आ चुका है, वाइल्ड लाइफ के लोग अंदर गए हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से, अदरवाइज अगर वो झुंड पूरा अगर नदी में आ गया तो फिर हम लोग यहाँ से जा नहीं पाएंगे, और रुकना पड़ेगा क्योंकि वो लोग पानी भी अभी कम है और बालू है पूरा मतलब ऊपर तक, तो अगर वो लोग आके अगर पानी में पूरा घुस गए तो वो लोग फिर हम लोग का बोट आके नहीं बढ़ने देंगे, वहाँ पे खेलते रहेंगे, अगर बोट देखेंगे अगर डर जाएंगे या गुस्सा हो जाएंगे तो हम लोग ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग अब जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए अपने बोट के पास, तो हम लोग निकल रहे हैं और चलिए चलते हैं। और फ्रेंड से एक बोट खराब हो गया था एक्चुअली, तो इस बोट को लेके जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं दूसरा बोट कैरी करके लेके जा रहा है। बाय बाय, हम लोग बैठ गए बोट में और जा रहे हैं, और फाइनली मतलब क्या हो गया कि इसके वजह से एलिफेंट की वजह से हम लोग को थोड़ा डर भी लग गया, इस वजह से हम लोग उधर से निकल के जल्दी जल्दी आ गए और अभी जा रहे हैं आगे, तो कहीं अगर घुसेंगे तो हम लोग को दिखाएंगे, तो हम चल रहे हैं सीधे बोट पे, हम लोग देख सकते हैं बोट से हम लोग जा रहे हैं इधर सीधे। देखिए फ्रेंड्स इधर ये कुछ एनिमल्स हैं जो निकल के आए हैं जंगल से, ऐसा देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड जंगली भैंसा, सब लोगों ने घूम लिया यहाँ पे बनियान ट्री में, और पूरा फॉरेस्ट के अंदर भी हम लोगों ने घूमा चारों तरफ, तो अच्छा लगा यहाँ पे। और अब चल रहे हैं हम लोग सीधे पार की तरफ, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से जहाँ से हम लोगों ने बोट पकड़ा था उस पार में मिलते हैं आप लोग को, तो चले चलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों ने घूम लिया, और इसी के साथ डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और शिवम था हम लोग के साथ पूरा ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा तो हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया, है कि नहीं, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।